भगवान श्री कृष्ण के ऊपर भक्तिपूर्ण ग्रंथों की रचना की। वे गांव-गांव जाकर कृष्ण गुणगान करते, वे भक्तों को आनंदित करते। ऐसे वो एक दिन कृष्ण लीला नाम की नदी के उस पार एक गांव के सम्मेलन में गए। तो अब हम देखते हैं गांव के सम्मेलन में जाके अवश्य मैं उसे काम कर दूं। एक स्त्री मुझसे मिलने आई है। अरे नाला ये क्या कर रहे हो तुम? उसे भगा दो यहां से। मैंने उसे यहां आकर अपना मुंह दिखाने के लिए मना किया था और तुम उसे ठाकुर से मिलवाने जा रहे हो। अरे ठीक है ठीक है, शांत हो जाओ। ठाकुर जी लगता है आप उसके बारे में जानते नहीं है। हमें उसके बारे में जानने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, परंतु हमसे कोई मिलने आए उसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य बनता है। जब हम दूसरों का सम्मान करेंगे तभी तो सब हमारा सम्मान करेंगे। चिंता मत करो, आज शाम को मैं तुम्हारे घर आऊंगा और भगवान श्री कृष्ण के गीतों को भी गाऊंगा। सच में आप क्या मेरे घर आएंगे? हाँ, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। इसके बदले में मैं आपको क्या सेवा कर सकती हूँ? ज्यादा कुछ नहीं, बस वरिष्ठ भोजन खिला देना। जान से नहीं आ सकते क्योंकि उसका व्यवहार ही उसको बड़ा या छोटा बनाता है। मैं हमेशा पराक्रम के उपासकों का सम्मान करता हूँ, इसीलिए आज मैं उसके घर जाऊंगा। अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने तुम्हारे दूर दूर से निकट संबंधित मित्र आए हैं, एक बार अगर उनसे मिल लो। कैसी बात कर रहे हो बिल, अभी जो होने जा रहा है वह तुम्हारे पिताजी का अंतिम संस्कार है, ऐसा मत कहो बिल। तुम्हारे पिताजी का अंतिम संस्कार ये मैं कैसे कर सकता हूँ बिल? तुम स्वयं ही चलकर अपने निकट संबंधित मित्रों का सम्मान करो, अन्यथा उनसे स्वयं ही जाकर कह दो वह तुम्हारे पिताजी के निकट संबंधित मित्र हैं। बिल्कुल निकट संबंधित मित्र तो वे तब पाते जब पिताजी बीमार थे, अब तो कोई नहीं आया। आप क्या करने आए हैं? मुझे पता है वो किस लिए आए हैं। उन सबकी दृष्टि पिताजी की संपत्ति पर है, वो इसीलिए यहाँ पर आए हैं, मुझे पता है। ऐसा मत कहो बिल, वे सब तुम्हारी सहायता करने यहाँ आए हैं। सहायता? अरे ये क्या मेरी सहायता करेंगे? सहायता तो मेरे पास एक ही कर सकती है। वो कौन है? चिंतामणि। चिंतामणि? वो तुम्हें क्या देगी भला? मिट्टी में मिलने वाले क्षण भर के शरीर से छूट मूट के सुख के लिए यदि आज तुमने अपने पिताजी का कार्य पूरा नहीं किया तो यह पाप तुम्हें जन्म जन्मांतर का भोगना पड़ेगा। बिल्कुल मुझे अगले जन्म की परवाह नहीं, मैं जा रहा हूँ चिंतामणि से मिलने के लिए। जाना मुझे नहीं हो सकते, हजारों चिंतामणि जमीन लेके लिए। रुको बिल, जब से तुम्हारा नाम चिंतामणि बना है, जब से
जब से तुम्हारा नाम चिंतामणि के नाम से जुड़ा है तब से तुम्हारे पूर्वजों की प्रतिष्ठा मलिन हो गई है और जो मैं बची कुछ है वो आज खत्म हो जाएगी।
यही रुको, मैं आपको जानता हूँ। आप चिंतामणि है ना? नहीं, मैं चिंतामणि नहीं हूँ। तो कृपया अपना मुख दिखाए। नहीं, मैं पतिव्रत स्त्री हूँ, पर पुरुष को अपना मुख नहीं दिखाती। देवी रुको, देवी रुको, देवी
मुझे वृंदावन बुला लो कृष्णा, मुझे वृंदावन बुला लो, किसी को भेजो कृष्णा, किसी को भेजो। ओ बाबा क्या हुआ आपको, हिलो लकड़ी। अरे हाँ।